आज की वीडियो में हम लोग ईमेल ऑटोमेशन करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से एक कंपेन को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि वो खुद बहुत सेंड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कंपेन थी जो कि हमने फोर कॉन्टेक्ट्स को भेजी थी, और वो वाली जो वीडियो है वो ये है जो कि आप देख सकते हैं। ये एक ईमेल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट चल रही है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब मैं आ जाता हूँ कि यार हम लोगों ने एक कंपेन सेंड कर दी, उसके बाद क्या करना है, उसे ऑटोमेट कैसे करना है, उससे फॉलो अप कैसे लेना है। ये दो बातें हैं, या तो आप फॉलो अप भी ले सकते हो या उस प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ऑटोमेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सारा का सारा जो हमने लास्ट टाइम काम किया था वो आप अगर ये वीडियो देखेंगे, ये वाली जो है फर्स्ट कंपेन, ठीक है, इसमें सारा का सारा मैंने बताया हुआ कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर आना है और किस तरह से ये चीज़ें करनी है। एंड यहाँ पर चैट जीपीटी का हम लोग अब कैसे यूज़ करेंगे फॉलो अप ईमेल में, हमने आके चैट जीपीटी में लिखना है राइट ए फॉलो अप ईमेल फॉर दिस ईमेल, कि यहाँ पर आपने वो वाला ईमेल पेस्ट कर लेना है जो कि आपने पहली कंपेन भेजी थी। यानी कि आप यहाँ से ईमेल को उठा के यहाँ से पूरा ईमेल को कॉपी करें, चैट जीपीटी में पेस्ट करके वहाँ से उसका फॉलो अप ईमेल ले लें। ज़्यादातर सिमिलर ही होगा, लेकिन इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो जो है थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, और उसमें बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आ जाती हैं। अब हम इसे ऑटोमेट करेंगे, तो ऑटोमेट जी मास्क हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग आती है जी मास्क की। ठीक है, जी मास्क की सेटिंग आ जाती है, तो अब यहाँ पर आप लोग देखें ऑटो फॉलो अप के नाम से ये एक ऑप्शन आ रहा होता है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ का मतलब कि अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा। यहाँ पर इफ़ एल्स की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी, यहाँ पर हमें काफ़ी ऑप्शन दे देता है कि इफ़ नो ओपन नो रिप्लाई नो एवरीवन, यानी कि कुछ भी है आप यहाँ पे कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ नो रिप्लाई, ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो उसको जाएगा कि यार ये एक जाएगा मैसेज, ठीक है, उसे वो जाएगा कि यार आपने ये ईमेल नहीं देखा या ये जो भी है। इस तरह से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है ये। एंड यहाँ पर स्टेज टू है, टू में भी आप कुछ लिख सकते हैं, आप इस तरह जितने भी स्टेज बनाते जाएंगे वो बनते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डेज भी चेक कर सकते हो कि यार यहाँ पर कितने डेज बाद जाना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको एक सेकेंड के लिए वन कर देता हूँ और इसे टू कर देता हूँ, मैं सिर्फ 2 डेज का यहाँ पर कर देता हूँ। एंड पहले पे मैं नो रिप्लाई एंड नो रिप्लाई करता हूँ, एंड सेकेंड वाले पे मैं नो ओपन कर देता हूँ, मतलब अगर उसने ओपन नहीं किया तो उसे कौन सी ईमेल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें कर देता हूँ मैं, एंड इसको हम यहाँ से अब हम वो कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि हमारा जस्ट इतना सा ही काम था एंड हमने इसे ऑटोमेट कर दिया। मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अगर आप जी मास को यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेसिक लेवल का टूल है जो कि हमें आपको बेसिक लेवल की चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे वीडियोस में, उसमें हम एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने वाले हैं और एडवांस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।